टिकारी के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा के आवास पर जदयू कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 16 अगस्त को भारत सरकार के मंत्री रामचंद्र प्रसाद उर्फ आरसीपी सिंह का पटना की धरती पर मंत्री बनने के बाद पहला आगमन होने जा रहा है, जिनके स्वागत को लेकर जिला जदयू कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं, जिसको लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया और स्वागत को लेकर विचार विमर्श की गई। वहीं आरसीपी सिंह के ग्रैंड वेलकम के लिए करीब 5000 लोग पटना में शामिल होंगे। पूर्व विधायक अभय कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं। गया में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का स्वागत में देखे होंगे, होर्डिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का पोस्टर लगे थे। पटना में जो पोस्टर लगे थे, भूल चूक उसमें हुई थी, अब उसको हम लोगों ने दूर कर लिया है। गया से हमारे संवाददाता मनीष कुमार की खास रिपोर्ट। माननीय भारत सरकार के मंत्री रामचंद्र बाबू का पटना की धरती पर मंत्री बनने के बाद पहला आगमन होने जा रहा है और हम सभी कार्यकर्ता ग्रैंड वेलकम के तैयारी में लगे हुए हैं और उसी तैयारी के संदर्भ में आज गया जिला इस्लाम मतावलंबियों के त्यौहार मुहर्रम को शांति और सौहार्द के वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से औरंगाबाद के जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल के निर्देश पर शुक्रवार को औरंगाबाद नगर थाना में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में दोनों समुदायों के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों के अलावा शासन प्रशासन के अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुहर्रम में रस्म है मिट्टी लेने का, तो एक दो आदमी जाएंगे मिट्टी लेके अपना रस्म अदा करेंगे और कहीं भी भीड़ भाड़ से जुलूस नहीं निकालेंगे। ऐसा सम्मति से सभी अखाड़ों के उस्ताद यहां आए थे। सभी औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर प्रखंड के रामनगर बाबू अमौना गांव में शुक्रवार को समाज सेवी स्वर्गीय लखन प्यारे सिंह की 11वीं पुण्यतिथि मनाई गयी। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने उनके स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. कांति सिंह, जहानाबाद के विधायक कृष्ण मोहन, गोह के विधायक भीम सिंह समेत अन्य लोगों ने उनके स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. कांति सिंह ने कहा कि अच्छा कर्म करने वालों को ही याद किया जाता है। स्वर्गीय लखन प्यारे सिंह प्रतिष्ठित समाज सेवी थे। उन्होंने लोगों से अपील किया कि समाज में आपसी प्रेम व भाईचारा बना रहे। औरंगाबाद से धीरेंद्र कुमार पांडे की रिपोर्ट। एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं इनको देख करके ये तो जरूर जाएगा संदेश कि आपस में प्रेम भाईचारा से अगर रहिएगा तो समाज आपको। औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना अंतर्गत हरिना गांव के 45 वर्षीय ददन सिंह को अपराधियों द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि युवक ददन सिंह बाजार गए थे और लौटने के क्रम में अपराधियों द्वारा पीट पीट कर हत्या करने के साथ आग फोड़ने की घटना को भी अंजाम दिया गया। आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी एवं मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मौके पर थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी एवं अंचला अधिकारी अमित कुमार पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने में जुटे हुए हैं तथा 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करने का आश्वासन भी दिया गया है। मर्डर करके उसको रोड पर फेंक दिया गया था। लास्ट को मुआवजा के लिए हम लोग रोड जाम किए कि भाई 4 लाख मुआवजा मिले और तत्काल गिरफ्तारी हो। गोविंदपुर टीवीएस इंटर विद्यालय में प्रखंड के अलग अलग क्षेत्रों में बीडीओ और बीईओ की उपस्थिति में पंचायत के शिक्षक की काउंसलिंग की जा रही है। उसी दौरान प्रवीण कुमार ने बताया कि हम नियोजन इकाई के एक सदस्य हैं और टाइम से काउंसलिंग रूम में उपस्थित थे। बीडीओ नीरज कुमार राय ने मुझे काउंसलिंग रूम से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है, तुम बाहर निकलो। जब हम बाहर निकलने से इनकार कर रहे थे तो जबरन बीडीओ ने मुझे बाहर निकाल दिया। इस तरह से नियोजन इकाई के सदस्य को बाहर निकाल देने से नियोजन काउंसलिंग में गड़बड़ी होने की संभावना जताई जा रही है। नवादा से राकेश कुमार चंदन की रिपोर्ट। नियोजन इकाई का हम एक सदस्य हैं, हमको वहां चुना गया था, हम मुखिया भी हैं सुगड़ी ग्राम पंचायत का। देखिए जितने वार्ड नंबर एक का जितना रिफॉर्म है मुझे मेरा सिग्नेचर और मेरा वीडियो सब बाहर कर दिया। काहे बाहर कर दिया भाई? आपको नहीं रहना है, मुखिया जी को रहना है, क्योंकि पूरा देखिए डॉक्यूमेंट पेपर पर आप देख सकते हैं, ले भी सकते हैं, मेरा सिग्नेचर है।
और आपका सिग्नेचर है, आप नियोजन इकाई की सदस्य सदस्य है जी सर। और आपको निकाल दिया गया वीडियो साहब, वीडियो साहब द्वारा जी, क्या, जी। कैसे निकाल दिया गया? बोले आपको नहीं रहना, मुखिया जी हैं, आप निकलिए, हमको बाहर निकाल दिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ। घर कहाँ हुआ? पुरैनी हुआ। पुरैनी हुआ, तो इसके लेकर के आप कहीं कंप्लेन किए हैं? नहीं किए, आप लोग हैं ना, आप लोग तो कंप्लेन कर रहे हैं सर। मीडिया के माध्यम से आप पदाधिकारी को जानकारी देना चाहते हैं?